कोरोना काल के बाद जो पहली दिवाली है और उसका धनतेरस आज यहाँ लोग जो सब मना रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जो मार्केट है कितनी भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है, जो लोग हैं बड़े ही हर्षोल्लास से जो इस त्यौहार को मना रहे हैं। यहाँ पर भी इस वक्त जो गाजियाबाद के जो हार्ट कहने कहने वाली मार्केट है घंटाघर की मार्केट, उस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, साफ तौर पर देख सकते हैं किस प्रकार से मिठाइयों की दुकानें हैं और जो बर्तन हैं उनकी दुकानें हैं, उनसे लोग लगातार भीड़ उन पर नजर आ रही है। ज्वेलर्स की दुकानें हैं कुछ, यहाँ पर भी जो कुछ ज्वेलर्स हैं उनके पास इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ज्वेलर्स की जो शॉप है उसमें यहाँ धनतेरस को लेकर कितनी भीड़ जो है साफ तौर पर नजर आ रही है। ये हमारे साथ यहाँ जो ज्वेलर्स हैं उनके भी कुछ कुछ लोग हैं, यहाँ पर देखेंगे आप किस प्रकार से मार्केट में जो दुकान में किस प्रकार से काफी भीड़ जो है नजर आ रही है। जो आज धनतेरस का पर्व है, लोग ज्वेलरी और बर्तन ये सब जो आइटम्स खरीद कर जो अपना उत्सव त्यौहार जो है उसको मनाते हैं किस प्रकार से। तो कुछ दुकानदार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, देखेंगे किस प्रकार से जो लोग हैं, काफी उत्साह नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ हैं और लक्ष्मी गणेश हैं, और आप देख सकते हैं चांदी के जो बर्तन हैं वो भी यहाँ पर जो है काफी मात्रा में रखे हुए हैं और लगातार लोग जो है उन्हें खरीदते हुए भी नजर आ रहे हैं। काफी जो त्योहार है पैसे वाला त्योहार इसको माना जाता है कि लोग जो है खरीदते हैं चांदी बर्तन ये सब खरीद कर जो है अपना उत्साह जो है मनाते हैं। तो बात कुछ लोग भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात कर लेंगे कि किस प्रकार से जो है उत्सव मनाते हैं। जी अंकल, क्या हेलो जी, हाँ जी, आज उत्सव है, किस प्रकार कैसा लग रहा है, धनतेरस का त्योहार है? अच्छा लग रहा है, खुशी से मनाया जाना चाहिए। तो आज क्या खरीदने आए हैं? चांदी का सिक्का शुभ होता है इसीलिए लेने के लिए आए। तो अच्छा, ये किस प्रकार से मनाते हैं लोग, आज काफी भीड़ भी नजर आ रही है, क्या कहना चाहिए? प्राचीन परंपराएं हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है हमारी की खुशी से मनाया जाता है दीपावली का उत्सव। इस दिन अयोध्या में राम वापस आए थे तो इसलिए खुशी से मनाया जाता है। तो अयोध्या में राम इस बार मंदिर भी बन रहा है, उसको लेकर भी काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा होगा। हाँ आ रहा है जी। तो ये कुछ कस्टमर भी थे और जो दुकानदार हैं वो भी, इनसे भी बात कर लेंगे। जी भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सुमित सिंगल है। आज काफी भीड़ है, दिवाली से पर्व उससे पहले जो है उत्सव मनाया जा रहा है, धनतेरस है, किस प्रकार से दुकानदारी वगैरह हो रही है और कितने ग्राहक आ रहे हैं? धनतेरस पे चांदी की सेल हमेशा ज्यादा रहती है और जैसे कि हर बार की तरह धनतेरस पे लोबागों में चांदी खरीदने का उत्साह बहुत होता है, तो आप देख सकते हैं कि पूरा उत्साह है, बहुत खरीदते हैं, बहुत मन से खरीद रहे हैं। चांदी का रेट पिछले साल से कुछ कम हुआ है तो उसको देखते हुए लोगों में और उत्साह है खुद घर में खरीदने के लिए और गिफ्ट देने के हिसाब से, तो दोनों चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, कोविड को लेकर दो बार से कोविड रहा, उस दौरान त्योहार पे इस तरह से नहीं मना पाए लोग, इस बार मना रहे हैं, कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? बहुत उत्साह है, बहुत लास्ट ईयर की बात है, पब्लिक डरी हुई थी तो घर में थी तो लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग की थी। कुछ ऐसा भी आइटम एंटिक है जो इस बार ज्यादा चर्चा में हो, ज्यादा डिमांड में हो? हाँ, इस बार चांदी की गिफ्ट आइटम के अंदर जैसे चांदी की मिठाई आई है, चांदी के ड्राई फ्रूट्स आए हैं, कुछ मैं दिखाता हूँ, ये चांदी के क्रैकर्स हैं, पटाखे आए हैं चांदी में, आप ये देख सकते हैं, अनार है, फुलझड़ी है, रॉकेट है, चक्री है, ये चीज आई है। और भी कुछ ऐसा आइटम है जो डिमांड में रहेगा? कुछ राम दरबार आप देख सकते हैं, कलर्ड पॉलिश में आए हैं, ये चीज यहाँ की बहुत इस समय बहुत हॉट सेलिंग रही। ये चांदी की मिठाई आप देखें, काजू की बर्फी है, बतीसा है, गुजिया है, लड्डू है, ये चीज देख सकते हैं। कुछ राम मंदिर को लेकर भी कई कुछ डिमांड में आ रहा है कोई? हाँ बिल्कुल, राम मंदिर को लेकर इस बार सबसे पहले कंपनी ने निकाला है अयोध्या राम, उसमें अयोध्या जी का मंदिर का है पूरा, नया कहना अयोध्या राम, ये आप देखें, ये अयोध्या राम है, इसके अंदर राम जी आ गए, पीछे अयोध्या का मंदिर है और इस चीज को लेके पब्लिक ने बहुत पसंद किया इसको, बहुत अच्छी सेल रही। हिंदुओं की आस्था का बड़ा त्योहार माना जाता है, उसको लेकर इस बार जो राम है वो काफी डिमांड में जो है नजर आ रहे हैं। तो अच्छा, पिछले बार की महंगाई को लेकर भी बात करें तो पिछले बार में और इस बार में थोड़ा कुछ डिफरेंट? हाँ, पिछली बार चांदी का रेट काफी हाई था, करीब 680 रुपए था, इस बार चांदी का रेट 580 रुपए है, तो चांदी का रेट कम होने की वजह से लोगों में खरीदने की परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, क्वांटिटी भी खरीद रहे हैं। पहले जो बंदा एक सिक्का खरीदता था 10 ग्राम का,
आज वो 50 ग्राम का सिक्का फेंक के घर जा रहा है, तो इसलिए बहुत अच्छा हो रहा है। गोल्ड में भी कुछ उतार चढ़ाव है? गोल्ड ऑलमोस्ट लास्ट ईयर से अभी वही है, लेकिन गोल्ड की अपनी एक मान्यता है तो लोग आप उस हिसाब से बहुत खरीदते हैं। तो ये इस वक्त जो ज्वेलरी शॉप पर हम मौजूद थे, सातवन का कहना है कि जो पिछली बार में और इस बार में काफ़ी अंतर जो है वो नज़र आ रहा है। चांदी में थोड़ा चढ़ाव है और सोने में भी थोड़ी पिछले के मुकाबले इस बार भी चढ़ाव नज़र आ रहा है। राम मंदिर को लेकर भी काफ़ी जो उत्साह लोगों में नज़र आया, और आप देख सकते हैं कि डिमांड में जिस प्रकार से जो जो भगवान राम है उनकी तस्वीर जो है पूरी डिमांड में आ रही है। मैं जनतंत्र टीवी के लिए गाज़ियाबाद से सुनील गौतम।